नमस्कार दोस्तों, मैं अजिंक्य, आप सभी का स्वागत करता हूँ ट्रक टॉक्स के इस नए एपिसोड में। आज हम आए हैं महाराष्ट्र के नासिक जिले के सडणा में। क्यों आए हैं? मॉडर्न पिकअप बॉडी बिल्डर्स, ये नाम आपने सुना होगा। इनकी गाड़ियाँ भी अपने रास्तों पर देखी होंगी, जो छोटी से लेके बड़ी हर गाड़ी पर बॉडी बिल्डिंग का काम जो है जो करते हैं, यानी कि मिस्टर निरंजन बोरसे सर से आप जो है आज हम मिलेंगे एंड उनसे जानेंगे कि किस प्रकार का काम यहाँ पे होता है, क्या क्या वर्क प्रोसीजर है, कौन सी गाड़ियाँ वो बनाते हैं। एंड इस पूरी वीडियो में आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो है देखने के लिए मिलने वाला है कि स्टार्ट से एंड तक गाड़ी पर बॉडी बिल्डिंग का काम किस प्रकार से किया जाता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये होने वाला है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अजिंक्य, आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रक टॉक्स के इस नए एपिसोड में। हम आए हैं मॉडर्न पिकअप बॉडी बिल्डर सटाना में सर से मिलने के लिए। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हो आप? ठीक हो ना? एकदम बढ़िया बढ़िया। तो आप हमें वर्कशॉप का एक टूर दीजिए ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स को पता लगे कि गाड़ियाँ कैसे बनती है आपके यहाँ। चलो दिखाते आइए। तो मॉडर्न पिकअप बॉडी बिल्डर्स दोस्तों एक काफ़ी चर्चित नाम है, काफ़ी गाड़ियाँ इनकी बनती है, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर गाड़ियाँ आती है। फिलहाल हम नासिक जिले के, महाराष्ट्र के नासिक जिले के सटाना शहर में है, गांव में है एंड वहाँ पर जो है वीडियो बना रहे। सर ये क्या है? ये आगे का कैरियर है। ओके। इसको पंजाब कैरियर बोलते हैं हम। ओके। इस पे अभी स्टील वर्क आएगा। स्टील वर्क आएगा। स्टील वर्क। ओके। एंड ये जो कैरियर देखते हैं पाइप वर्क में जो है बनता है, इस पे भी लोड डालते हैं? लोड रख सकते हैं। तो काफी मजबूती से जो है यहाँ पे बनाया गया। आज यहाँ पर किस गाड़ी का काम होता है? ये गाड़ी बन रही है 1.3। ओके। बोलेरो पिकअप 1.3 का यहाँ पे काम जो है वो चल रहा है, आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग 1.3 बोलेरो पिकअप। और ये गाड़ी कहाँ से आई है आपके पास? ये गाड़ी ये डिंडोरी से आई है। डिंडोरी मतलब नासिक जिले का जो सबसे बड़ा ग्रेप्स उत्पादक ये है गांव है डिंडोरी, वहाँ से गाड़ी सर के पास बनने के लिए आई है। यहाँ पर क्या चल रहा है सर, क्या वेल्डिंग कर रहे हैं यहाँ पे? नीचे चैनल मार रहे हैं। चैनल मार रहे हैं मतलब बॉडी को उल्टा करके यहाँ पर चैनल मारे जा रहे हैं। ट्रॉला मजबूत रहता है। ट्रॉला मजबूत रहता है, देख सकते हैं यहाँ पर वेल्डिंग वर्क दोस्तों हो रहा है लाइव जो है हम आपको यहाँ पे वेल्डिंग दिखा रहे हैं। तो इसकी जरूरत क्यों होती है गाड़ी में डबलिंग करने की? लोड ज्यादा बैठता ना इसमें ट्रॉली में, इसलिए मारना पड़ता है। इसके ऊपर भी पेंट एंटी रस्ट कुछ आता है क्या? कलर आएगा ना इसके ऊपर? कलर आता है इसके ऊपर, देख सकते हैं वेल्डिंग। और ये किस प्रकार की वेल्डिंग है? ये स्पॉट वेल्डिंग। ओके। तो यहाँ पे ये मशीन किस चीज का है यहाँ पे? ये होल गिराने के लिए इधर। ओके। होल्स के लिए होल गिराते हैं। ओके। इसलिए होल्स के लिए दो है दोस्तों मशीन है। और ये मटेरियल कौन सी कंपनी का होता है आपके पास? कामधेनु कंपनी का। कामधेनु का। ओके। और ये कहाँ से लाते हैं आप? ये इधर से ही लेते गांव में से। ओके। ये देखो कामधेनु का सिक्का है। कामधेनु का मार्का यहाँ पे आप देख सकते हैं, मजबूत है काफी। तो ये गाड़ी के बारे में बताइए, मतलब बॉडी बिल्डिंग करते वक्त आप कौन सी चीजों का ध्यान जो है इस पे रखते हैं? गाड़ी बनाते समय इसकी बैटरी वायर निकाल लेते। ओके। टेल लैंप भी निकाल लेते। ये देखो लाइट यहाँ पे निकाल के रखे। टेल लैंप निकाल लेते। मडगार निकाल के रखे। ओके। सेंसर है वो भी निकाल लेते। राइट। तो काफी मतलब केयर लेके यहाँ पे काम जो होता है। यहाँ पर ये भाई साहब क्या कट कर रहे हैं? एंगल कट कर रहे हैं। एंगल कट कर रहे हैं। तो ये छोटे छोटे टुकड़े कहाँ पे यूज होते हैं? ये लगते ना गाड़ी में कहीं भी। ओके। तो यहाँ पर आइए, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए दर्शकों को। ये सिल्वर का लकड़ा है। सिल्वर ओक। हाँ ये। ओके। ये ज्यादा दिन अच्छा रहता है। ओके। तो इसे फल्ली भी कहते हैं जो गाड़ी के बॉडी में लगती है, फल्ली बोलते हैं इसको। हाँ। एंड इस मशीन का क्या क्या इस्तेमाल होता है मतलब? ये रंदा मारता है मशीन। ओके। पर लकड़ी का स्टॉक। आइए अभी ये गाड़ी हमारे यहाँ कर्नाटक से बनाने को आई है। कर्नाटक से बनाने के लिए आई है। तो ये कैबिन इसका क्यों ढक के रखा आपने? ये कलर की वजह से। कलर मारते ना तो खराब नहीं होनी चाहिए। मतलब आप पूरा टेक केयर करते हो गाड़ी बनाने से पहले। ये देखो टायर भी ढके। टायर भी ढके। हाँ अभी व्हाइट कलर है, इसके ऊपर पेंट आएगा। ये गाड़ी कर्नाटक जाने वाली है? कर्नाटक जाने वाली। महाराष्ट्र से, सटाना से। हाँ। इसमें कौन सा मतलब आपके स्टाइल जैसा ही कलर मारोगे? हाँ नहीं, वो जो गाड़ी वाले ने बताया वही मारेंगे। नासिक बॉडी। तो इसमें आपने अलग क्या किया आपके रेगुलर काम के? रेगुलर काम में नासिक बॉडी में आप पट्टी आती। ओके। तो ये गाड़ी को एंगल दिए। एंगल दिए। और ये हमारा सटाना बॉडी का सर्किट बनाया नीचे का। हाँ। बाकी का सब कुछ सेम है, सब नासिक बनाया। ओके। आप देख सकते हैं दोस्तों काफी मतलब यार मैं क्या कहूँ, काफी नीट एंड क्लीन वर्क जो यहाँ पे किया है, काफी हेवी आप देख सकते हैं। मतलब ये सारी चीजें है ना, अभी ये उनको ये पसंद आया ना। ओके। सटाना बॉडी का। हाँ। तो इसलिए ये लगाए उन्होंने। तो ये कितने टाइम में पेंट हो जाएगी यहाँ पे? ये अभी
5-6 घंटे में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पेंट का ग्रेड मतलब क्या, का ऑटोमोटिव ग्रेड पेंट है ये? हाँ, ये कार फिनिश का आता है। ओके, अच्छी क्वालिटी रहती है इसका। ओके, तो ये सर जो है यहाँ पर पेंटिंग का काम करते हैं। आप कितने सालों से पेंटिंग का काम कर रहे हो यहाँ पे? मैं यहाँ कम से कम 5-6 साल। 6 साल से पेंटिंग का काम। तो जितने भी मॉडर्न पिकअप बॉडी वर्क्स की गाड़ी आप रोड पे देखते हो दोस्तों, ये सर से पेंट के। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रमोद जाधव। प्रमोद जाधव है। तो सर के हाथ से पेंट की हुई गाड़ियाँ होती है जो निखर के यहाँ से निकल के रोड पे आती है। तो थैंक्स अ लॉट सर, काफी बढ़िया काम जो आप करते हो। तो यहाँ पे आप आइए, पीछे की पार्टी है। ओके, अभी तिरंगा लिखा है उन्होंने, 1 2 3 4। हाँ, इस पे एक अपने इंडिया में अभी मतलब वो एक लेडीज का ड्राइंग रहता है, वो भी बनाते हो क्या? वो भी बनाते ना, वो भी बनाते हैं। हाँ, वो भी बनाते हो। तो ये कस्टमर डिमांड पे रहता है। हाँ, कस्टमर के। तो ये फली रहती है दोस्तों, मराठी में इसको फाड़का भी बोलते हैं। गाड़ी के पीछे डालते ये जो चैनल है ना, इसमें ये ड्रॉप होते है और इसको नंबर के हिसाब से ही लगाना पड़ता है। उल्टा सीधा लगाओगे तो ये आगे का गार्ड है, ये आगे का बम्पर गार्ड है। चेन वर्क इसमें किया है, आप देख सकते हैं आगे बम्पर के नीचे लगता है, जिससे आपकी नंबर प्लेट भी नहीं ढकती। बराबर ना? बराबर। तो ये इनका पेंटिंग का वर्कशॉप है, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ये गाड़ी कर्नाटक से आई है इतनी दूर, और ये कर्नाटक जाएगी और वहाँ जाके हमारे खानदेश का नाम रोशन करेगी। और यहाँ पे देखो ये बोर्ड लगा है ना, यस, म्यूजिक वाला, कुशन वाला, पार्टी वाला, लाइटिंग सब यहाँ पे आते हैं। बाहर जाने की जरूरत नहीं। ये एक देख सकते हैं सुपर कैरी, हमारी आपके चैनल की सबसे मतलब कंट्रोवर्शियल गाड़ी कह सकते इसको, ठीक है ना? कंट्रोवर्सी क्या है आप लोगों को पता ही है मेरे चैनल के पुराने सब्सक्राइबर्स को। ये रहा इसका बॉडी वर्क। ये ऐसा क्यों किया आपने ऐसा, मतलब ये कुछ अलग? गाड़ी वाले ने बोला था पत्रा लगाने के लिए। तो ये कुछ इस प्रकार से इसका बॉडी वर्क हुआ है। ये यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसका बम्पर जो है अटैच होगा आगे, काफी हेवी का। ये चेसिस में वेल्ड किया गया, चेसिस में करते हैं वेल्डिंग। ओके, सही है। मारुति सुजुकी सुपर कैरी सीएनजी पेट्रोल। एक ऐसा ही नॉर्मल क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, ये गाड़ी यहाँ की है ठीक है, लोकल गाड़ी है। हाँ, तो इसको सीएनजी मिलता है क्या यहाँ पे सटना में? यहाँ पे नहीं मिलता, बाहर थोड़ा बाहर जाना पड़ता है। मतलब ये थोड़ा ऑफ टॉपिक मैंने मेरा क्वेश्चन पूछ लिया। फिर यहाँ पे क्या पेट्रोल पे चलाते होगा? पेट्रोल पे चलाते। ओके, चलिए जाने तो, छोड़ो इसको, आगे चलते। बनी हुई गाड़ी दिखाऊंगा, महिंद्रा सुप्रो। ये यहाँ पे क्या चल रहा है भाई? ये पाइप बेंडिंग चालू है यहाँ पे। पाइप बेंडिंग चालू है मतलब कैरियर का? कैरियर का, कैरियर का पाइप आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसको ट्रस बोलते हैं, ट्रस पे लोड लगा के, मतलब अगर आपने इंजीनियरिंग की होगी सॉम टॉम उसमें आपने देखा होगा। ये देखो पाइप कैसा अच्छे क्वालिटी से बेंड होता है। तो ये जो मतलब क्या बोलते हैं, दोनों एंड से छोरों से अगर आप इसको देखोगे तो बिल्कुल इवनली बेंड जो हुआ है, यहाँ से भी देखोगे तो सीधा होता है ठीक है। तो यहाँ पर जो ये पाइप बेंडिंग मशीन है सर की, तो इस एंड पे फोर्स लगा के जो है वहाँ पे पाइप को बेंड किया जाता है। एक आपको हम डेमो भी दिखा देते हैं, चलो। तो यहाँ पर ये पाइप को यहाँ पे लगा दिया है सर ने, ठीक है। तो यहाँ पर लगाने के बाद इसको नाप लिया जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं पाइप का नाप लिया जा रहा है। अब इसको कर दिया यहाँ पे लॉक, और अब यहाँ पे सपोर्ट को लगा के ये जो आर्म है ये घुमाया जाएगा। देखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वहाँ पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे बेंड हो रहा है। इंजीनियरिंग में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स एक सब्जेक्ट होता था, वो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि लोहे को इस तरीके से जो है बेंड किया जाता है इनर्शिया लगा के। तो ये जो है ये फाइनल आउटकम निकल के आया है। आप देखिए पाइप जो है सर ने अच्छी तरीके से बेंड किया है। अब ये किसी ना किसी गाड़ी के कैरियर में दिख जाएगा, और गाड़ी अगर आपको रोड पे दिखे तो सर के इंस्टाग्राम पे हाई भेज दीजिएगा, ठीक है। हो गई मजाक की बात, चलिए आगे। ये देखिए ये सीढ़ी है, हाँ, ये ऊपर गाड़ी चढ़ने के ऊपर चढ़ने के लिए गाड़ी को। तो जो लोग चढ़ने में माहिर है उनके लिए ये है, बराबर ना? बराबर, चढ़ने वालों के लिए सीढ़ी है। जोक सपाट, फाइनल बनी हुई गाड़ी आपको दिखा दे, जिसके लिए मॉडर्न पिकअप बॉडी वर्क जाना जाता है। कलर देखिए ना कितनी यूनिक लग रही है, मतलब अगर आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे, ब्यूटीफुल वर्क हैज बीन डन ओवर हियर। सर बताइए कुछ। ये सटाना बॉडी है, सटाना सुप्रो मैक्सी ट्रक है। सुप्रो, हाँ मैक्सी ट्रक। अभी ये गाड़ी रेडी है देने के, डिलीवरी देने डिलीवरी के लिए। आप अंदर से देखिए, ये क्या कस्टमर डिमांड पे करते हो क्या? कस्टमर के हिसाब से मार देते हो डिजाइन। राइट, आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी अच्छी दिखती है ना उससे। और ये आरटीओ रूल्स के हिसाब से किया है ना? हाँ, हॉर्न नॉट ओके प्लीज।
ओके, आरटीओ के हिसाब से जो है किया जाता है पूरा वर्क। पार्किंग सेंसर्स भी गाड़ी के वर्किंग है, जाली लाइट पे लगाई गई है, लाइट भी पूरी तरीके से विजिबल है। कुछ बॉडी बिल्डर्स है हमारे दूर के जो ये पूरा बंद कर देते हैं। इलीगल है यार वो चीज, वैसा नहीं करना चाहिए। वो दिखने चाहिए, ये दिखने चाहिए। हाँ, रात के समय में दिखते ना। क्योंकि मैं कुछ बॉडी बिल्डर्स के यहाँ पे गया था तो वो चीज देख के मुझे मतलब रास्तों पर ये निकालने को बोलते ना आरटीओ, वो रीपासिंग के बट अब देख सकते हैं। अभी ये गाड़ी में भी वही काम किया है। ठीक है, जाने दो। ओके, ये गाड़ी में वही काम है, सटाना बॉडी। तो ये गाड़ी आप देख सकते हैं बोलेरो पिकअप 1.3 टन में, पीछे से कुछ इस प्रकार से दिखती है। इसमें क्यों नहीं किया आपने वो काम? वो गाड़ी वाले आएंगे तब करते हैं। गाड़ी वाले, अच्छा उनके सामने। हाँ, उनके सामने। अरे यार सही चीज है यार, ये तो बहुत सही चीज है ये मेरे को अच्छा लगा देख के। ठीक है ना, अब देख सकते हैं बोलेरो पिकअप 1.3 सजी धजी फुली। मतलब यार ऐसी रंग बिरंगी गाड़ियों के लिए अपना भारत पहचाना जाता है। ठीक है ना, मतलब इंडिया इज नोन फॉर दिस ब्यूटीफुली डेकोरेटेड ट्रक्स, मिनी ट्रक्स। ये परंपरा ना आप ऐसे ही आगे चलाते रहना। ये जो है निरंजन सर के बेटे है, भाई तेरे हाथ में सब आगे, कुछ ये सब आगे लेके जाना, हम तो नहीं रहेंगे भाई। बराबर ना, हम तो नहीं रहने वाले, इनके हाथ में। तो भाई चालू रखना जो भी है। आइए, ये गाड़ी ना उस दिन भी हमने आपको दिखाई थी, ये जलगांव की गाड़ी है, मुक्ताई नगर की, न्यू शेप में है बोलेरो 1.7, आप देख सकते हैं काफी सुंदर जो ये दिखती है। ठीक है ना, काफी सुंदर ये दिखती है बोलेरो पिकअप 1.7। तो सर वीडियो एंड करते हैं, लोगों को हमने वर्कशॉप पूरा दिखा दिया, यहाँ पर जो आपको नंबर दिख जाएंगे इन नंबर पर कांटेक्ट करके आप बुकिंग या फिर इंक्वायरी कर सकते हैं। फिर भी आप आपका एक एड्रेस एक बार बता दीजिए लोगों के लिए। हमारा एड्रेस है मॉडर्न पिकअप बॉडी बिल्डर, यस, ईश्वर नगर, ताराबाद रोड। ओके, सटाना। तो सटाना के किसी भी दुकान पे कहाँ पे भी जाके आप निरंजन बोर्ड से या फिर मॉडर्न पिकअप बॉडी बिल्डर बोल देंगे, वो सीधा आपको यहाँ पे गेट पे आके छोड़ देंगे। तो सर धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए। निकलते हैं, हमको भी मुंबई निकलने का है। एंड वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।